ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे प्राइम न्यूज 24। सीएम योगी की सरकार में गड्ढेदार सड़कें प्रतिदिन दे रही सैकड़ों दुर्घटनाओं को दावत। उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा के अंतर्गत ब्लॉक झिंझरी तहसील गोंडा कोतवाली नगर के अंतर्गत सड़क कटहा घाट से होकर अंबेडकर चौराहा व कचहरी राजमार्ग से जुड़ी हुई है। सड़क की स्थिति इतना खराब है कि इस सड़क पर रोजाना 15 से 20 हादसे होते रहते हैं। कई हादसे तो इस तरह होते हैं कि लोगों को अपना हाथ पैर भी गंवाना पड़ता है। इस मार्ग की दूरी मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के निर्माण को लेकर कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व जिलाधिकारी महोदय को सूचना भी दी गई है, फिर भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व जिलाधिकारी महोदय इस सड़क की स्थिति को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं तथा इस मार्ग के निर्माण को लेकर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए रिपोर्टर सुचरण रावत, गोंडा। हमारा नाम है महंत कुमार यादव, बलभा गांव के निवासी बनवजा मौजूद। अच्छा, यहाँ का ईटा उठा बिल्कुल बराबर किया, था बराबर किया, लेकिन ट्राली वाले इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिए। ट्राली ऐसी यहाँ पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, रास्ते की स्थिति ज्यादा गड़बड़ है और रास्ते की स्थिति बहुत दिल से गड़बड़ है, लेकिन इसका यहाँ से पूरा ट्राली आते हैं, डीएमएफसी लगाते हैं, कोई नहीं देखता। हाँ, सेंटर पे सेंटर सरकार का। अच्छा, ये बताइए, ये कहाँ से क्या नाम, पीडब्ल्यूडी के अंदर में है या किसी दूसरे स्थान से? पीडब्ल्यूडी के अंदर में, जहाँ प्रधान के अंदर में नहीं है। तो ये कम 4-5 साल से ऐसे ही है, बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो रखी है और रोज 15-20 आदमी का हादसा हो रहा है, रोज इसमें गिर रहे हैं और इसमें सरकार क्या नाम है, कितनी बार ये पेपर में भी आया है, रोज हादसे हो रहे हैं। आपके सामने देख लीजिए कैसे ताल बना हुआ है, कोई ये रोड लेन जो है कचहरी पर ये जाती है और यहाँ से ही लोगों का कई मोजे जाते हैं राजमार्ग से जुड़ा, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। रोज से कोई नहीं अधिकारी आते हैं, इधर से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने, जिस रास्ता सही हो जाएगा। आप अपना नाम बताइएगा। भूरेन्द्र कुमार मिश्रा।